नमस्कार, मैं अनिल कुमार और आप देख रहे हैं अपन माटी का यूट्यूब चैनल। बिहार एक बार फिर पेपर लीक मामले से जूझ रहा है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के इंटर स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न पत्र एक बार फिर बिहार में लीक हो गया है, जो कि आखिरी और तीसरे दिन ये लीक हुआ है, जिसके वजह से बिहार में पूरी सनसनी मची हुई है। आपको बता दें कि शाम 6 बजे तक परीक्षा से जुड़े तमाम लोगों के मोबाइल पर प्रश्न पत्र आ गए थे, जबकि यह नहीं होना चाहिए था। ऐसे में एक बार फिर प्रश्न पत्र लीक होने की आशंका उत्पन्न हो गई है। हालांकि यह तय नहीं हो पाया है कि वायरल प्रश्न पत्र पहली सीटिंग का है या दूसरी सीटिंग का। इस क्षेत्र से जुड़े लोगों का कहना है कि प्रश्न पत्र परीक्षा के बाद वायरल हुआ है। परीक्षा 4 बजे समाप्त हो गई है। सोमवार को प्रश्न पत्र बाहर जाने की जानकारी से आयोग के चेयरमैन संजीव कुमार सिन्हा ने इनकार किया है। प्रश्न पत्र बाहर आने से परीक्षा केंद्रों पर बढ़ती जा रही कड़ाई पर भी प्रश्न खड़ा हो रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी कड़ाई के बीच यह कैसे हो गया। अभ्यर्थियों को किसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक सामान के साथ परीक्षा केंद्र पर भी जाने की मनाही थी और न ही उन्हें जूता पहनकर जाने दिया गया था। परीक्षा केंद्र पर घुसने से पहले अभ्यर्थियों की पूरी जाँच की जा रही है। बावजूद प्रश्न पत्र बाहर आना कई सवाल खड़े कर रहा है। खासकर मामला तब और गंभीर हो जाता है जब परीक्षा के पहले दिन प्रश्न पत्र बाहर आने से इतना बड़ा बवाल मचा है। आयोग के अनुसार उसने सभी डीएम से रिपोर्ट तलब की है और फिर भी प्रश्न पत्र कैसे बाहर आ गए इसकी जांच कर रही है। बीएसएससी के चेयरमैन संजीव कुमार सिन्हा के मुताबिक परीक्षा के पहले दिन प्रश्न पत्र वायरल होने पर विज्ञापन जारी कर लोगों से साक्ष्य मांगा गया है। उनका कहना है कि यदि तय हो जाए कि परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र लीक हुआ है तो वो उस दिन की परीक्षा रद्द कर पुनः परीक्षा करवाएंगे। इंटर स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के अंतिम दिन प्रश्न कठिन रहे। अभ्यर्थियों के अनुसार गणित और रीजनिंग के प्रश्न तो सामान्य रहे, लेकिन सामान्य अध्ययन का प्रश्न कठिन था। परीक्षा के विशेषज्ञ डॉक्टर एम रहमान के मुताबिक प्रश्नों का पैटर्न पूर्व की तरह था। प्रश्न परंपरागत पूछे गए थे और वर्ष 2016-2017 के ही तात्पर्य से थे। उनके मुताबिक किसी भी हालत में कट ऑफ 90 से कम नहीं रहेगा। वहीं परीक्षा विशेषज्ञ समीर के मुताबिक सामान्य वर्ग का कट ऑफ 95% से 100% के बीच रह सकता है। उनके मुताबिक अंतिम दिन की परीक्षा ओवरऑल कठिन रहेगी।